जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जी हां दोस्तों, मान लीजिए कोई विटनेस है यानी गवाह है, कोई वो कोर्ट में गवाही देने नहीं जाता है तो उस पर क्या करेगा कोर्ट। जी हां दोस्तों, देखो छोटे छोटे वीडियो होते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल नॉलेज होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं, तो आप इन छोटी छोटी जानकारी को ज़रूर जान लेना चाहिए। भाई कोई गवाह है आप में से, कोई भी हो सकता है आप में से, और आपको कोर्ट में गवाही देना है और आप कोर्ट में नहीं जाते हैं तो कोर्ट आप पे क्या करेगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे जाके ऑन कर लेना। सेकंड बात दोस्तों, कोई भी कमेंट में नंबर ना छोड़े, कमेंट कोई भी हंस लीगल हेल्प की टीम का बन के आपको कॉल करता है और आपसे पैसे लेता है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है उस पर क्लिक करके नीचे चेक कर लिया करो, वहाँ पर आपको मेरी नंबर मिल जाएगी। अगर आप नहीं कर पाते कॉल पर तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लिया करो, इंस्टाग्राम पर मैं लाइव आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों टॉपिक की बात करते हैं। देखिए मान लीजिए आप कोई गवाह है और आप कोर्ट में नहीं जाते हैं तो सबसे पहले तो आप पे कंटेम्प्ट कोर्ट लगेगा, भाई कोर्ट का चार्ज उल्लंघन करना, कोर्ट की बात को ना मानना, ठीक है। अब क्रिमिनल केस के हो तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट कोर्ट लग गया, अगर सिविल के तो सिविल कंटेम्प्ट कोर्ट लग गया, लगना जरूर आप पे, जुर्माना जरूर लगना ही है पहली बात तो। दूसरी बात, अगर आप पहली बार नहीं जा रहे हो कोर्ट में तो आपको एक नोटिस भेजा जाएगा, भाई आपको हाजिरी देना जरूरी है, क्योंकि जो कोर्ट होता है ना वो जस्टिस के लिए होता है, किसी को न्याय दिलाने के लिए होता है, और ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट गवाह है वो छूट जाए तो उसको न्याय गलत मिल जाए किसी को, तो उस वजह से गवाह को आना जरूरी होता ही है। अब मान लीजिए एक पे डेट पे नहीं जा रहे, दूसरी नोटिस भेज दिया आपको, दूसरी में सम्मन भेजेंगे, तीसरी में वारंट भेजेंगे, फोर्थ में अरेस्टिंग वारंट, आपको अरेस्ट करके जाना नेसेसरी है। आप गवाह बन गए किसी केस के तो जाना जरूरी है। अब आप कोई वजह भी बता सकते हो, भाई कोई कारण है आपको नहीं गए तो उसमें एक हाजिरीनामा दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको मिस करना ही पड़ेगा, आपको हर ना किसी कंडीशन में कोर्ट में गवाही बने हो तो गवाह बनने के तौर पे आपको जाना नेसेसरी होता है। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, जो गवाह होते हैं आप लोग तो आपको कोर्ट में उपस्थित होना और अपनी गवाही देना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो इस वजह से अगर आप किसी भी केस के गवाह बनते हो तो ये सोच लीजिए कि आपको गवाही देना ही पड़ेगा, चाहे वो आपका जान पहचान वाला है। काफ़ी लोगों को क्या होता है कि बाद में रिश्तेदारी या बाद में कोई भी क्लोजिंग हो जाता है, कुछ मिलाप हो जाता है लोगों का और वो गवाही देने से मना कर जाता है, तो ऐसा अगर आप करते तो आप पे कंटेम्प्ट कोर्ट होगा, आपको जेल भी हो सकती है सिचुएशन में, आपको कोर्ट में जाना नेसेसरी ही है। तो आई होप दोस्तों आपका जो डाउट है वो क्लियरली हो गया होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।